हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि हम लोग अभी डीमार्ट के आए हैं प्रेजेंट टाइम में, और अभी अजनी इलेक्ट्रिक लोको सेट है जो वहाँ पे विजिट करने के लिए जाना है। वहाँ पे विजिट करने के लिए जाने से पहले मैंने सोचा था कुछ खाने के लिए सामान ले लेते हैं रास्ते के में जाने के लिए, और मैं चलता हूँ वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊँगा आपको, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहता है वो दिखाऊँगा। हमें टेस्टिंग करने के लिए जाना है वहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक लोको सेट का एसी है वहाँ पे टेस्ट करने के लिए। तो डीमार्ट से आए हैं, थोड़ा सा सामान खरीद लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं थोड़ा सा खाने के लिए रास्ते में, और बाकी फिर चलते हैं दिखाते हैं। ये मेरा छोटा भाई है, अभी आया हुआ है और इसके साथ में आए हुए हैं घूमने के लिए। अब यहाँ से निकलेंगे फिर जाएंगे। रात में 11 बजे की ट्रेन थी, वो लेट हो गई है, 12 बजे की हो गई है, और वहाँ से फिर हम निकल के आपको पहुँच के दिखाते हैं। वहाँ पे ट्रेन हमारी 4 बजे पहुँचने वाली थी, लेकिन अब 5 बजे एमएमए पहुँचेगी 6 बजे, और ये लास्ट ट्रेन बची थी और विजिट करना कल ज़रूरी था। इसलिए क्या है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और पूरी रात तो कार ख़राब हो जाएगी मेरी। उसके साथ में कुछ सामान के परचेज कर लेते हैं और उसके बाद लेके जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं। ये है डी मार्ट यहाँ चौथा में, और ये भाई अभी आया हुआ है, तो फिर अभी चलते हैं फिर सामान लेके यहाँ से परचेस करके, फिर कुछ लेके फिर चलते हैं। रास्ते के ट्रिप दिखाएंगे आपको, उसके बाद में पहुँच के वहाँ पे दिखाएंगे कि अजनी इलेक्ट्रिक लोको सेट कैसा है, कैसा क्या रहता है वहाँ का दिखाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम अभी पहुँच गए, वहाँ से सामान खरीद लिया था हमने, और ख़रीद के फिर आ गए हैं यहाँ पर। हम भिलाई स्टेशन पर हैं, और हम और ये हमारा दोस्त है गोविंद, आए वो लोग, तो हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे नागपुर के लिए। अभी तो हमारी ट्रेन है नहीं, अभी तो साउथ बिहार खड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये टाइम लेट है, साउथ बिहार भी लेट है, पर मेरी ट्रेन आने वाली है। अभी रायपुर पहुँची है, रायपुर से भिलाई पहुँचने में उसको अभी में आधे घंटे का टाइम लग जाएगा। वो आती है फिर बैठ के आगे चलते हैं नागपुर, फिर नागपुर दिखाते हैं वहाँ पर कितने बजे पहुँचते हैं, वहाँ से उसके बाद चलते हैं अजनी इलेक्ट्रिक लोको सेट, जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया है। तो वहाँ पे चलते हैं फिर दिखाते हैं वहाँ का व्यू क्या रहता है, नज़ारा कैसा रहता है, और क्या करना रहता है, कैसे करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, कैसे विजिट करते हैं, कैसे क्या दिखाते हैं, और हम अटेंड करेंगे कंप्लेन को, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे, वो भी सारी चीज़ें दिखाएंगे। और देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ में, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों। ये हमारी ट्रेन आ गई है, अब हम लोग बैठने जा रहे हैं, बैठ के फिर निकलते हैं यहाँ से। और जिसका वेट था, अभी तक इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, और बस चलते हैं बैठने के लिए, और बैठ के फिर निकलते हैं। मेरा डिब्बा भी पहले ही आ गया है। ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम उठ गए हैं अभी, और उठने के बाद देखो ऐसा है, और अभी ट्रेन पहुंची नहीं है, और अभी इतवारी पहुंचने में इसको में आधे घंटे का टाइम लग जाएगा, आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम लग जाएगा, और तब तक हम प्रेस हो जाए, तब तक अजनी आ जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं पहुंचेंगे वहाँ पे कैसा रहता है वहाँ। ट्रेन रुक जा रही है अभी पास पास के स्टेशन पे क्रॉसिंग के लिए, यहाँ पे इस जगह पे पता नहीं किस प्रॉब्लम से, तो आगे का दिखाते हैं नज़ारा, बढ़िया से बिल्कुल बेहतरीन रहने वाला है आज का। और आप बताइए आपकी मॉर्निंग कैसी रही? बहुत अच्छी मॉर्निंग रही, पूरी अच्छी सी नींद आई, बिल्कुल अच्छे से मज़ा आ गया, और अभी घूम के आगे वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। हमारे स्टेशन से फिर जाने के लिए 6 किलोमीटर है वहाँ पे, अजनी जाने के लिए 6 किलोमीटर है वहाँ से, तो अजनी जाएंगे वहाँ से। अगर देखेंगे बाय ट्रेन, कोई ट्रेन होती है तो ट्रेन से निकल जाएंगे, नहीं तो उसके बाद पे नहीं है तो टैक्सी से जाएंगे, वो भी दिखाएंगे किस चीज़ से जा रहे हैं आपको, और पूरा दिखा के एकदम अच्छे से मस्त मज़ा लेते रहिए। मैं भी मज़ा ले रहा हूँ, आप भी लेते रहिए। बाहर का व्यू देखो, ट्रेन स्लोली स्लोली बिल्कुल चल रही है, और बाहर का व्यू देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, पेड़ है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नेचर जैसा मौसम लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल है। चलते दिखाते दोस्त क्या कर रहा है, बैठा हुआ क्या कर रहा है, उठा है कैसे, क्या कर रहा है। हेलो हेलो गोविंद जी, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बस ये बैठा है, मस्ती कर रहा है, फ़ोन चला रहा है और मस्त कर रहा है। कैसी रही सुबह यहाँ की, कैसा रहा मेरा समय यहाँ का? तो जैसा कि हम पहुंच गए हैं ये देखो इतवारी रेलवे स्टेशन पे, अब हम लोग बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं।
ऐसे बैक करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम लोग टैक्सी पकड़ लिए, अब यहाँ से निकलेंगे ताकि पहुँचते हैं फिर अजनी, अजनी में दिखाते हैं आपको। जैसा कि हम लोग को जाना था अजनी इलेक्ट्रिक लोको सेट, मैं लोग हम लोग आ गए थे अजनी रेलवे स्टेशन पे। तो क्या है, मैंने रैपिडो बुक कर लिया है और रैपिडो बुक करके फिर यहाँ से अब निकल रहे हैं। ये रैपिडो स्टार्ट हो गई है, चल रही है और मैंने ओटीपी दे दिया, आगे चलते हैं दिखाते हैं। अगर आपको बुक करना नहीं आता है तो ऑलरेडी मैं बताता हूँ कि रैपिडो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे मेरा रेफरल कोड डाल दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख आपको दे दूँगा, उसके थ्रू आपको छूट मिलेगी और आप भी बुक कर सकते हो और आप भी जा सकते हो आसानी से। जहाँ पे टैक्सी नहीं मिलती अच्छे से, आप कोई भी बात नहीं कर सकते, सही से वहाँ पे आप करके जा सकते हो। ओके, चाहता हूँ इलेक्ट्रिक लोको सेट पहुँचता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, थोड़ा बैक करके मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये टैक्सी है, बाहर कहीं में कुछ ऐसा है तो इस टैक्सी में देखो ये मीटर लगा हुआ है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मैंने तो बुक कर दिया है, उस तो बुकिंग के रेट पे ही जाएगा, मुझे लगे से कोई मतलब नहीं है। ये सेट ऐसा है पूरा, जैसा अपना सेट है वैसा ही है, मैंने भी आपको वीडियो दिखाया अपने सेट की तो वैसा ही है। बस क्या है, वहाँ थोड़ा से नया सारा चीज़ें दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड दिख रहा है करके, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें गुड हैं। ये अजनी इलेक्ट्रिक लोको सेट है, देखो ऐसा बना हुआ है बिल्कुल, ऐसा है। हम लोग कुछ खाने के लिए आए हैं, अभी समोसा मिला है, छोटी सी दुकान, बाकी कोई दुकान नहीं थी, और समोसा है 15 रुपये का एक, 30 रुपये का दो, और कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए, तो यही खा ले रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे काम करने के लिए। माहित नहीं थे क्या प्रॉब्लम है आपल्याला, ते एमसीबी चा कनेक्शन खोलले आहे खालून तिन्ही। हां दळलं, तेच ना, काही प्रॉब्लेम झाला तर म्हणून ऍडमिट केलं असून एसी होऊ शकते। दोस्तों ये है कंट्रोल बॉक्स, एसी जो लोको में लगी होती है उसका कंट्रोल बॉक्स है। ऊपर जो आपको ऊपर साइड में दिख रहा है, सबसे पहले वायर जो ऊपर तीन कपलर में गए हुए हैं, उसके नीचे जस्ट कॉन्टेक्टर्स लगे हुए हैं, जो कि 4 कॉन्टेक्टर्स लगे हुए हैं। उसके राइट साइड में देखो एक टाइमर लगा हुआ है, उसके नीचे देखो एमसीसी भी लगा है, और क्या राइट साइड में एमसीबी लगा है नीचे व्हाइट कलर का, देखो डबल पोल। देखो काम कर दिए हैं, काम कंप्लीट हो गया है, आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, अभी एक बार फाइनल चेक करना है और उसके बाद लोगों को एनर्जाइज करते हैं, लोगों को चार्ज करते हैं, चार्ज करके फिर स्टार्ट करके भी आगे का काम करते हैं कंप्लीट। और जैसा कि पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया है, बस क्या जो प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट आउट हमने कर दिया है, और शॉर्ट आउट कैसे करना है ये सारी चीज़ें अगर देखना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे करना है क्या करना है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा सिखाऊँगा बताऊँगा। कोई भी सवाल है सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, बताइए। एसी चल के आप देख लीजिएगा ऐसे ही, अभी ऑन करेंगे इसको, एनर्जाइज करेंगे, उसके बाद में फिर क्या है इसको फाइनल चेक करके फिर बंद करेंगे, फिर चलते हैं अपने घर की ओर। और बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा, और बहुत मेहनत लगती है बनाने में, टाइम निकालना पड़ता, भूल जाता हूँ कि ब्लॉग भी बनाना है मुझे, तो बीच बीच के क्लिप लेता हूँ। ये है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे निकले हुए, कल से निकला हूँ, अब ठीक है आज देखो शाम तक हो सकता है पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें दिखाता हूँ आपको, क्या हुआ थोड़ा से मुस्कुरा तो दो। ये भाई है मेरा, और देखो मुस्कुरा रहा है, बढ़िया आनंद ले रहा है, मौज आ रहा है बढ़िया घूमने के साथ में। कैसा रहा यहाँ का सफ़र, और कैसा रहा विजिटिंग प्लेस, कैसा लगा आपको? ठीक है, अच्छा लगा है, ठीक है। बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, ये अभी साथ में आ रहा है, बढ़िया मस्ती में घूमते हुए दोनों आए हैं और पूरा रास्ते का एंजॉय लेते हुए। यहाँ पे तो कैंटीन भी नहीं थी, कैंटीन खाने के लिए तो दूर जाना पड़ा, आपको दिखाया ही था और कुछ नहीं मिला है, थोड़ा सा खा लिया हम लोगों ने, पेट पूजा समझो हो गया है। अब यहाँ से काम करके फिर निकलते हैं, फिर अच्छे से थोड़ा सा खाते पीते हैं कुछ। हाँ दोस्तों, मिशन सक्सेसफुल हो गया, पूरा काम डन कर दिया है बिल्कुल अच्छे से, एसी चल रही है हमारी, और मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये देखो लड़के
ये देखो चल रही है, मैं एक्साइटेडनेस में आपको दिखाने के लिए चल रहा था और ये रखा हुआ था, इसमें टकरा गया हल्का से। ये है और पूरा देखो सिचुएशन में एसी ऑन है, लोको आपका चल रहा है, देखो पेंटो भी उठा हुआ है, एक चीज चल रहा है बिल्कुल अच्छे से। मैं आपको दिखाता हूँ की है पूरा ऑन है, हर एक चीज दैट्स गुड है, बिल्कुल चल रहा है अच्छे से, परफेक्ट है। यहाँ का टेस्ट कर लिया है, ये मीटर रखा हुआ है, एसी का दिखा देता हूँ यहाँ से, जो इसकी ऊपर पहले हमने वीडियो बना के डाली है कि एसी को ऑन कैसे करते हैं, लोगों की एसी को टेंट की एसी को कैसे चलाते हैं ऑन करते हैं, उसके बारे में हमने पहले वीडियो बना के डाला है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो एसी यहाँ से ऑन है, मैं स्विचेस दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे सारी लाइटें जल रही हैं, ठीक है। अंदर का पैनल दिखा दूं क्या? रुको एक मिनट, पैनल दिखाता हूं मैं अंदर का, इसी का नीचे जो लगा हुआ है उसका पैनल दिखाता हूं, लाइट जला के बैक से करके दिखाऊंगा, ऐसे दिख रहा है आपको लाइट, लेकिन बैक करके दिखाता हूं, और लोगों के अंदर कैसे होता है वो भी दिखाऊंगा बैक कैमरा ऑन करने के बाद में, दिखाता हूं एक मिनट। ये है दोस्तों, देखो एसी का नीचे का बैक पैनल कैसा है, ये ऐसा है, यहां से हमने बनाया है, इसको रिप्लेस किया, बना दिया है एकदम, बिल्कुल रिपेयर कर दिया है, एमसीबी एमपीसीबी चेंज कर दिया है, ये हो गया है, ये ऑन है बिल्कुल, लाइटें जल रही, देख लो ऐसा होता है लोगों के अंदर, लोगों के अंदर ऑन है, ये है डन है पूरा, ये है ऐसा दिखता है, ठीक है। फिर मिलते हैं रास्ते की जर्नी में, आगे का दिखाएंगे आपको, तब तक के लिए मिलते हैं, आप बढ़िया खुश रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो, अच्छे से बिल्कुल चल रहा है, ऐसी वीडियो आपको लगातार बहुत सारी मिलेंगी। मैं पेंटो दिखाता हूँ, ऊपर उठा हुआ है लोगों के ऊपर का, वो ऊपर पेंटो देखो उठा हुआ दिख रहा है, टच है अभी यहाँ पे आया ऐसे पूरा, की लगाया हूँ, ये चाबी लोगों की चाबी लगी हुई है, एक मिनट में दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा लगा हुआ है और ये चल रहा है, ठीक है। देख लिया होगा यहाँ से, देख लो लोगों को पैलेट सब ऑपरेट करता है, ये ब्रेकिंग सिस्टम है, एक्सीलेटर का सिस्टम है, समझो गाड़ी आगे बढ़ती है, सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको मिलते हैं आगे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते रहेंगे लगातार वीडियो लाते रहेंगे, बस आप मेरा सपोर्ट करो, इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक होनी चाहिए, 1000 लाइक होनी चाहिए और कमेंट पे कमेंट होना चाहिए, बताओ आगे क्या करना है कैसे बताना है, हम आपकी गाइडलाइन के तरीके से काम करेंगे, हम आपके तरीके से काम करेंगे, आपको सिर्फ बताना है क्या कैसे करना है। मिलते हैं तब तक के लिए, गुड बाय। ऊपर है ना दोस्तों, प्यास लग रही थी बिल्कुल से, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और खाने का मन नहीं कर रहा था खाना, तो हम लोगों ने पानी लिया, थोड़ा से बिस्किट लिया, चिप्स लिया, अब थोड़ा से खाने वाना है, खाना वाना है थोड़ा से और खा के फिर आराम से दराज जाएंगे, ताकि थोड़ा सा खाने का मन करे खाना, तब फिर खाना खाएंगे, जो काम के आगे फिर खाना हुआ नहीं और मन भी नहीं किया और अब मन नहीं कर रहा है, तो चल रहे हैं अभी, यात्रा भी चल रही है, इतवारी पहुंचेंगे, वहां थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, फिर ट्रेन है शाम को 11:55 की, सुबह 4 बजे पहुँचेंगे। ये 2 दिन का सफ़र रहा और 2 दिन के सफ़र को कैसे इन्जॉय किया आपको भी दिखाया, आप लोग भी देखिए बताइए, आगे भी बताइएगा कि हमारे दादाजी बहुत अच्छे हैं और हमको लोग को लेके जा रहे हैं इतवारी छोड़ने के लिए। ये दादाजी पीछे देखिए हल्का से, ये है हमारे दादाजी और बिल्कुल अच्छे से मस्त है, मस्त से अच्छे से लेके जा रहे हैं, ठीक है। आगे फिर मिलते हैं, आगे आगे की जर्नी भी दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन पर है, अजमेर रेलवे स्टेशन पर आप यहाँ पर बैठ के ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये इतवारी रेलवे स्टेशन का जहाँ पे टिकट मिलता है वो टिकट काउंटर है, यहाँ पे बैठ के लोग इंतजार भी कर सकते हैं। इसे लास्ट में क्या हुआ, बिल्कुल लास्ट जर्नी है, लास्ट का एकदम चलते हुए मुस्कुराते हुए अच्छे से, अभी तक ट्रेन का वेट हुआ, इंतजार हुआ, अब ट्रेन आने वाली है, बिल्कुल तैयार हो गया, अनाउंस हो गया, डिब्बे भी कुछ भी डिसाइड हो गए, अब बिल्कुल से डिसाइड होने के बाद एकदम फाइनल ट्रिप है, लास्ट तक रहा ऐसा, आप बताइएगा कैसा लगा आपको, 2 दिन का सफ़र हो गया, मैं कल निकला था और पूरा रात बीत गया, पूरा दिन बीत गया, अब पूरी रात बीत जा रही है, अब 12 बजे के आसपास मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ, 12 बजे के आसपास पकड़ने के बाद मॉर्निंग में देखो मॉर्निंग में पहुँचने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ यहाँ का करके, यहाँ का इतना अच्छा लगा, अब इतना टाइम एक्सपेंड हो गया है, जैसे मेरी ट्रेन आ गई बढ़िया से,
बहुत ज़्यादा थक गए हैं बिल्कुल से, अब ट्रेन आ गई है हमारी, बैठेंगे बिल्कुल आराम करते हुए जाएंगे। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, गला बिल्कुल बैठ गया है पूरा से। हम जाएंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार बार बार हज़ार बार मिलती रहे। आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिलेंगी इस पर, टेक्निकल वीडियोज़, ट्रेन से रिलेटेड वीडियोज़ बहुत सारी मिलेंगी दोस्तों। आ गई है आप निकल के, इस मेरे इंतज़ार की घड़ियां खत्म, अब ट्रेन आ गई है बिल्कुल तैयार, आराम से बैठेंगे, सोते हुए जाएंगे, सुबह उतरेंगे और फिर पूरा आराम से सोएंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। ठीक है, आप भी रिलैक्स करो फिर डाल के। आपने हमारी वीडियो को देखा, वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, आपने पूरी वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।